नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कन्फर्म ड्रीम इलेवन में। तो दोस्तों, मैंने साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश का ऑलरेडी टीम अपलोड कर दिया है, आप जाकर चेक कर लेना। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका के मैच के बारे में। तो दोस्तों, आपने अभी मैच देखा ही होगा कि श्रीलंका ने बहुत अच्छा फाइट दिया दोस्तों पाकिस्तान को, लेकिन वो मैच जीत नहीं पाया। उपुल दारंगा ने बहुत अच्छा बैटिंग किया दोस्तों, उनका जो क्लास था बैटिंग में, उनका जो पेशेंस था दोस्तों बहुत बढ़िया था। श्रीलंका को पूरा वन हैंडेडली उतना दूर तक पहुँचा है, लेकिन वो जीत नहीं पाए दोस्तों। मेरे ख्याल से 30 odd runs से वो हार चुके हैं, ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान ने। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ड्रीम इलेवन टीम बनाया दोस्तों आज का मैच के बेसिस पे, और दोस्तों प्लेयर्स के प्रोफाइल के बेसिस पे आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। दोस्तों, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दो है विकेट कीपर में, सरफराज अहमद और निकोलस डिकवेला। तो दोस्तों, प्रीफर तो मैं सरफराज अहमद ही करता हूँ, क्योंकि थोड़े अच्छे बैट्समैन है डिकवेला से, लेकिन जो डिकवेला ओपनिंग करते हैं इसलिए मैं ऐसे निरोशन डिकवेला कर लूँगा। आप चाहे तो सरफराज अहमद को ले सकते हो दोस्तों, इनको सिर्फ 13% लोगों ने लिया है दोस्तों, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ग्रैंड लीग में। मैं फिर बता रहा हूँ, जो अगर ग्रैंड लीग आप खेलते हो तो आप इनके साथ ही जाइएगा दोस्तों। निरोशन डिकवेला इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे लास्ट कुछ मैचेस से, लेकिन ये भी बड़े प्लेयर है दोस्तों, अपने मैच के दिन अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं दोस्तों। अगर उनका दिन रहा तो सेंचुरी भी मार देते, इसलिए मैंने यहाँ से निरोशन डिकवेला को लिया। स्मॉल लीग के लिए आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, और सरफराज अहमद को आप ले सकते हो स्मॉल लीग में आपके रिस्क पर, लेकिन ग्रैंड लीग में आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। दोस्तों, बैट्समैन की बात करें, आप देख सकते हो मैं सिर्फ 3 batsmen लूँगा, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका का मैच है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑलराउंडर्स और बॉलर्स ज़्यादा पॉइंट्स दिला रहे, अच्छे विकेट्स और स्कोर्स भी ऑलराउंडर्स और बॉलर्स कर रहे हैं, इसलिए ऐसे मैं ऑलराउंडर्स और बॉलर्स पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और बैट्समैन सिर्फ मैं मेन बैट्समैन लूँगा जो फॉर्म में है। दोस्तों, बाबर आजम और उपुल तारंगा बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे 2 जन को ले लिया हूँ, और ऐसे मैंने फकर जमान को लिया है। दोस्तों, आप अगर 3 batsmen से जाते हो तो आपको 3rd batsman के यहाँ पे ऑप्शन दे दूँ, फकर जमान आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, और आशीष कुशाल मेंडिस। और आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे बताना चाहूँगा लहिरू तिरामाने। दोस्तों, आपके ऐसे 3 ऑप्शन है, अगर आप 3 batsmen के साथ जाना चाहते हो तो, अगर आप 4 batsmen के साथ जाना चाहते हो तो आप इनमें से एक को ऐड करके 4 के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं आपको यही प्रीफर करूँगा आप 3 ऑर्डर के साथ जाइए, और 4 बॉलर के साथ जाइएगा, और 3 ही बैट्समैन के साथ जाइएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, ये मेरे 3 batsmen है, आपको ऑप्शन मैंने दे दिया, कुशाल मेंडिस, एमएस शहजाद, दिनेश चंदीमल, सब खेलेंगे दोस्तों, कुछ चेंजेस होने की संभावना नहीं है, लहिरू तिरामाने। दोस्तों, आपके ऐसे ये ऑप्शन है। दोस्तों, ऑलराउंडर्स की बात करें, ऐसे मैंने शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और तिसारा परेरा लिया है। तो दोस्तों, आपके ऐसे आप एक ऑप्शन, इतना अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे यही 3 ऑप्शन आप कंसिडर कीजिएगा, अगर आप तीनों फुल भरना चाहते हो ऑलराउंडर्स, तो आप इन तीनों को ले लीजिएगा। अगर आप 2 ऑर्डर से जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा आप परेरा और शोएब मलिक के साथ जाइएगा, अगर आप 2 ऑर्डर से जाना चाहते हो। लेकिन आपको मैं यही बता दूँ, आप 3 ही ऑर्डर से जाइएगा, क्योंकि जो ऑलराउंडर से, क्योंकि जो मोहम्मद हफीज़ है पूरे 10 ओवर करा रहे, और जो बैटिंग भी टॉप में कर रहे, 2 डाउन बैटिंग करने आ रहे मेरे ख्याल से, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और तीसरा परेरा भी पूरे 10 ओवर करा रहे। दोस्तों, शोएब मलिक 4 या 5 ओवर करा थे, लेकिन अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे इनको लिया है। दोस्तों, बॉलर्स की बात करें तो ऐसे मैंने डिवाइड कर लिया है, 2 मैंने पाकिस्तान बॉलर्स लिया, 2 मैंने श्रीलंकन बॉलर्स लिया, आसन अली और शादाब खान मेरे पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, और जो अकेला धनंजय है और उनके साथ मैंने यहाँ से लहिरू गमांगे लिया है। दोस्तों, लहिरू गमांगे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों, आज देख सकते हैं आप 53 पॉइंट्स उन्होंने दिलाए, बहुत अच्छा बॉलिंग किया दोस्तों, इसलिए मैंने उनको लिया है। आपके पास आप एक अच्छा ऑप्शन है, जेफ्री वेंडरसी और ऐसे लकमल। दोस्तों, आप दोनों में से किसी को पिक कर सकते हो, अगर श्रीलंका के साथ जाना चाहते हो, अगर पाकिस्तानी बॉलर के साथ जाना चाहते हो, रोमर रेस के साथ जा सकते हो। दोस्तों, ये मेरी टीम है, आपको यही प्रीफर करूँगा, अगर आप 5 बॉलर के साथ जाना चाहते हो आपको ऑर्डर ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं प्रीफर नहीं करूँगा। आप 4 बॉलर्स, 3 ऑलराउंडर्स, 3 बैट्समैन और 1 विकेट के साथ जाइएगा, ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा प्रेफरेबल होगा कल के मैच के लिए। अगर इसमें कुछ चेंजेस मैं करता हूँ तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कैप्टन बाबर आजम को रखा है। दोस्तों, कुछ लोग का ये मानना है अगर कोई प्लेयर 2 मैच कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर देता है कि 3rd मैच वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ऐसा मानना होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। बाबर आजम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्लास के साथ बैटिंग कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिव शॉट्स खेल रहे हैं, इतना रिस्क नहीं ले रहे, इसलिए मैंने बाबर आजम को कैप्टन रखा है, और उपुल तारंगा को मैंने वाइस कैप्टन रखा है। दोस्तों, आपके यहाँ पे ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, ये सेफ ऑप्शन है, तीसरा परेरा, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों कराते, अगर एक अगर उनका फ्लॉप हो जाता है तो आप दूसरे में वो पॉइंट दे देते, लेकिन आपको थोड़ा रिस्क लेना है स्मॉल लीग के लिए, तो आप ये टीम के साथ जा सकते हो। सो ये मेरी टीम है, आप शादाब खान को भी वाइस कैप्टन रख सकते हो। दोस्तों, अच्छा बॉलिंग प्रदर्शन किया था और बैटिंग में भी 50 मारा था। दोस्तों, ये मेरी टीम है, आपको यहाँ पे मैं प्रीव्यू में बता दूंगा ऑप्शंस, डिकवेला, बाबर आजम, अगर आप सरफराज देते हो तो आप उनको भी कैप्टन रख सकते हो, फकर जमान, तीसरा परेरा, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक और यहाँ से शादाब खान। दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, आप इनमें से किसी को रख सकते हो, और कुछ भी चेंजेस मैं करूँगा इस टीम के साथ मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर मैं फ्री रहता हूँ, अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो जरूर जरूर मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरे YouTube चैनल के बारे में कुछ कहना है, आपको कुछ कमी लग रही है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों, मैं पूरी कमी की पूरी करने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जो घंटे का साइन है दोस्तों उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। धन्यवाद।